जिंदगी बेहतर बनती चली जाती है अगर हम अपने हर काम को पूरे मन, पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। लेकिन जिंदगी बेहतरीन बन जाती है अगर हम दूसरों में खुद को देखते हैं। आपको जिंदगी में क्या चाहिए, काश या फिर आकाश, इसे समझने के लिए चलो सुनते हैं ये एक अद्भुत कहानी जो कि मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। एक घर बनाने वाला मिस्त्री था जिसकी उम्र लगभग 55 साल की थी और वो एक कंपनी में काम करता था। वो अपने काम को खूब मन लगाकर करता था और यही कारण था कि उसके बॉस उससे बहुत खुश थे। लेकिन कुछ दिनों से उनका काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि काम के कारण वो खुद का और अपने फैमिली का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, और यही सोचकर उन्होंने अपने जॉब से रिटायरमेंट लेने का निश्चय कर लिया। वो अपने बॉस के पास गए और कह दिया कि सर, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ क्योंकि काम के कारण मैं खुद पर और अपने फैमिली पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। आपकी कंपनी में लगभग मैंने 30 साल नौकरी की और अपने हर काम को पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन अब मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए। इस पर उसके बॉस कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम रिटायरमेंट लेना चाहते हो ताकि तुम खुद का और अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख सको तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक आखिरी प्रोजेक्ट है उसे तुम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें रिटायरमेंट दे दूंगा। एक घर बनाना है और तू बहुत ही अच्छा मिस्त्री है, मैं चाहता हूँ कि उस घर को तुम ही बनाओ। घर बनते ही मैं तुमको एक अच्छा सा फेयरवेल पार्टी देकर रिटायरमेंट दे दूंगा। मिस्त्री को काम करने का मन नहीं था, उसे काम में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस कंपनी में उन्होंने 30 साल काम किया था और यही सोचकर उन्हें लगा कि चलो जाते जाते अपने बॉस को क्यों नाराज किया जाए, ये काम खत्म करके मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, और उसने अपने बॉस से हाँ कह दी। मिस्त्री ने उस घर को बनाना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से उसे खत्म करके वो रिटायरमेंट ले सके, लेकिन उसका काम में ठीक से मन नहीं लग रहा था, वो काम को आधे अधूरे मन से कर रहा था। उसने अपने 30 साल के कैरियर में एक से एक घर बनाए और लोग उसके काम के दीवाने थे, लेकिन वो इस आखिरी घर को मन से नहीं बना रहा था, अपना 100% नहीं दे रहा था। मिस्त्री ने उस घर को 3 महीने में जैसे तैसे और अधूरे मन से पूरा किया। वो अभी तक जिस क्वालिटी का घर बना रहा था, इस आखिरी घर को उस क्वालिटी का नहीं बना पाया क्योंकि वो काम को अधूरे मन से कर रहा था और उस काम को अपना काम नहीं समझ रहा था, और यही कारण था कि ये घर दिखने में एक बहुत ही साधारण सा घर लग रहा था। काम खत्म होते ही मिस्त्री ने बॉस से जाकर अपने रिटायरमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया, और जैसा कि बॉस ने प्रॉमिस किया था वो रिटायरमेंट के लिए मान गए। मिस्त्री के लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज की गई और उसके बॉस ने एक छोटे से बॉक्स में उसे एक गिफ्ट दिया। बॉस ने मिस्त्री से कहा कि तुम अभी इस गिफ्ट को सबके सामने खोलो। मिस्त्री ने उस बॉक्स को खोला और उसके अंदर एक चाबी थी, और वो चाबी थी उसी घर की जो कि मिस्त्री ने अभी अभी बनाया था। बॉस ने मिस्त्री से कहा कि ये तुमने जो आखिरी घर बनाया है ये तुम्हारे लिए ही है, इस कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। दोस्तों जरा सोचो कि उस मिस्त्री को उस समय कैसा लग रहा होगा, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। काश मुझे पता होता कि मैं अपने ही घर बना रहा हूं, मैंने सबके लिए एक से एक घर बनाया, पूरे जी जान से मेहनत की, लेकिन खुद के घर को ही खराब कर दिया। काश मैं ये अपना आखिरी काम भी पूरे मन से किया होता, जिसे मुझे अपने कैरियर का बेस्ट घर बनाना चाहिए था उसी घर को मैंने वर्स्ट घर बना दिया और अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों जरा सोच कर देखो, अपने आप को उस मिस्त्री की जगह पर रख कर देखो कि उसे कैसा लग रहा होगा। अब उसे उस घर में अपना पूरा जीवन बिताना है, क्या वो खुद को अपनी इस गलती के लिए कभी माफ कर पाएगा। दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सुनो तो आपको पता चल जाएगा कि हम भी रोज जाने अनजाने में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हम रोज कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, पैसा कमाने के लिए, और आज का हमारा यही काम हमारे फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है। लेकिन क्या हम अपने हर काम को पूरे जी जान से, पूरी मन से करते हैं। दोस्तों आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, आप कभी ये मत सोचो कि वो काम आप दूसरों के लिए कर रहे हो। अपने हर काम में अपना 100% दो, ये सोचकर कि वो काम आप खुद के लिए कर रहे हो।
और ये सच भी है कि आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में करते हो वो दूसरों की छोड़ो, सबसे पहले वो आप खुद के लिए करते हो। एक बात जान लो कि हम अपनी जिंदगी को सजाते हैं या फिर अपने ही हाथों से बर्बाद कर देते हैं, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और ये सिर्फ आपको ही डिसाइड करना है कि आप अपने हर काम को आधे अधूरे मन से करना चाहते हो और फिर पश्चाताप की अग्नि में जलकर ये कहना चाहते हो कि काश मैं ये किया होता, काश मैं वो किया होता, काश मैं इस काम को और अच्छे से किया होता, या फिर अपने हर काम में अपना 100% देकर एक दिन आकाश छूना चाहते हो। चॉइस इज योर्स। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।